नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बी। तेजो ने एक बार फिर से फतेह को दिया एक जोरदार थप्पड़। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फतेह जो है वो कुछ तेजो से कहता नजर आ रहा है, क्योंकि उसने देख लिया है कि जो तेजो है वो रेडी हो गई है अंगद के साथ शादी करने के लिए। जो यहाँ सिचुएशन ही आप सबने देखी कि ऐसी हो गई थी कि जो रूपी है उसे हार्ट अटैक आया है और रूपी ने वादा लिया है तेजो से कि वो शादी करने वाली है अंगद से, और वो कहती है कि ठीक है मैं शादी कर लूंगी अंगद जी से। वेल, आने वाला जो ट्रैक है वो बहुत ही शानदार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं कि तेजो और फतेह में लगातार दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं, और अब तो ये दूरियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अंगद का ट्रैक लंबा चलने वाला है, क्योंकि अंगद और तेजो की शादी अब लगता है होने वाली है। ये भी अभी श्योर नहीं है, बट आने वाले वक्त में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि फतेह और तेजो के बीच अच्छी खासी दूरियाँ आने वाली हैं। तो भाई, यहाँ पर जो फतेह होता है वो ये सब देखता है कि अंगद के साथ तेजो शादी के लिए रेडी हो गई है। वो फिर से कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसके बाद तेजो एक और जोरदार थप्पड़ लगाती है और निकल जाती है अंगद के साथ। जी हाँ, अंगद का हाथ पकड़कर वो चली जाती है यहाँ पर फतेह को छोड़कर। वेल, आपको बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं खुशवीर और रूपी। जी हाँ, खुशवीर के खिलाफ रूपी खड़ा है। और यहाँ पर जब सब आते हैं, एक तरफ तेजो की फैमिली होती है, एक तरफ फतेह की फैमिली होती है, तेजो अपनी फैमिली के साथ होती है, फतेह अपनी फैमिली के साथ होता है, और इसी दौरान यहाँ पर एक क्लिप चल जाती है, और वो क्लिप होती है वही जिसमें तेजो और फतेह जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट हुए थे, एक दूसरे के क्लोज आए थे। ये सारी फुटेज जो है वो चल जाती है, और उसे देखकर तेजो और फतेह के होश उड़ जाते हैं। तेजो भी बहुत परेशान होती है, अंगद भी हैरान रह जाता है, बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। और फिर ये देखकर रूपी को काफ़ी तेज़ शॉक लगता है, और फिर उसे हार्ट अटैक आ जाता है, और फिर वो कहता है कि मुझे पता था तेजो ये कभी भी नहीं सही हो सकता, और ये कभी तुझे खुशियां नहीं दे सकता। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि तू मुझसे वादा कर कि तू अंगद जी से शादी कर लेगी, जिसके बाद तेजो जो है वो रेडी हो जाती है और कहती है कि हाँ पापा मैं करूँगी उसी से शादी। और फिर यहाँ पर फतेह जो है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, और फिर फतेह जो है वो तेजो से बात करने की कोशिश करता है, और इस दौरान क्या क्या बातें होती है ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तेजो एक बार फिर से ज़ोरदार फतेह को थप्पड़ मारती है, क्योंकि जाहिर तौर पर उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम फिर से आ गई है। फतेह जो है वो कुछ समझना नहीं चाह रहा था, फतेह को लगातार तेजो समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। जबकि अपने मन से भी फतेह जानता है कि तेजो उसे इतनी बार माफ़ कर चुकी है, और वो तेजो को एक बार भी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन बार बार वो अंगद को लेकर चीज़ें करता रहता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसकी चाल है, और ये सब क्यों हुआ है, और इसकी वजह से अब तेजो और फतेह की ज़िंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। फिलहाल तो यहाँ पर एक थप्पड़ जो है फिर से तेजो ने दिया है फतेह को। अब यहाँ पर फतेह क्या कह रहा था तेजो से, ये तो आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अंगद और तेजो की शादी की बात सुनकर बेहद हैरान परेशान नज़र आ रहा है फतेह, और फिर बात करने की कोशिश की वो तेजो से, और फिर पड़ गया ये थप्पड़। इस वीडियो में बस इतना ही।